गोरखपुर में रोडवेज की खटारा बसों को गोरखपुर की बेटियों के छूते ही सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। आपको बता दें कि अपने आप को सशक्त बनाने के लिए बेटियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। गोरखपुर में बेटियां रोडवेज के वर्कशॉप में खटारा बसों को पुरुषों के साथ मिलकर ठीक कर रही हैं। इन बेटियों ने ITI किया है और परिवहन निगम के राप्ती नगर वर्कशॉप पर बसों के इंजन को बना रही हैं। इनकी नियुक्ति मानदेय पर की गई है, जो 2 वर्षों से यहां पर अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन इनका मानदेय बहुत कम है। इनको 7800 रुपए महीने पर रखा गया है। ये बेटियां अपने सौंदर्य की परवाह न करते हुए ग्रीस से सने बसों के इंजन को बनाती हैं। बेटियों का कहना है कि हमको ये काम करने में अच्छा लगता है, हम लोग किसी से कम नहीं हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। वहीं इस संबंध में वर्कशॉप में काम करने वाली रीमा चौधरी ने बात करते हुए कहा कि मैंने ITI किया है और हम लोग मानदेय पर काम करते हैं। यहाँ पर मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं खराब बसों के पंप को बनाने का काम करती हूँ। अभी तक मैंने 200 से ज्यादा बसों के पंप को ठीक किया है। मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है। हम लोगों को मानदेय बहुत कम मिलता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं वर्कशॉप इंचार्ज अजय कुमार ने कहा कि हम लोग बेटियों को काम को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ सके। यहाँ पर 4 लड़कियां काम करती हैं, जो कि बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करती हैं। उनके कामों को देखकर दूसरे कर्मचारी भी उत्साहित होते हैं। वो ये काम करके अपना घर चला रही हैं। उनके परिवार के लोगों का भी उनको पूरा सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो यहाँ काम कर पा रही हैं। हम आगे भी बेटियों को ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और यदि कोई बेटी ये काम करना चाहती है तो वो आ सकती है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परिवहन निगम के वर्कशॉप इंचार्ज अजय कुमार, अनुबंधित कर्मचारी रीमा चौधरी, गोल्डी सिंह, मंटू कुमार निषाद ने बताया। प्रीति भारती। कितने सालों से काम कर रही हो? सर 2 साल हो गया। कहाँ काम करती हैं आप? पंप सेक्शन में रहते हैं। क्या क्या बनाते हैं? सर पंप बनाते हैं, इंजेक्टर बनाते हैं। कैसा लगता है इस काम करने में? कहाँ से हम लोग सीखा आपने और दिमाग में कहाँ से ये हमको काम करना है? सर हम ITI किए थे और ट्रेड मेरा डीजल मैकेनिक था, तो हम सोचे डीजल मैकेनिक में जाएंगे FI पंप बनाने, और FI पंप बनाते हैं, इंजेक्टर बनाते हैं। कितना सपोर्ट रहे हैं यहाँ के कर्मचारी हैं, जेंट्स हैं, आप लोग महिला हैं, कितना सपोर्ट रहता है? अरे सर सपोर्ट पूरा मिलता है, हम लोग को जो नहीं आता वो बता देते हैं, हेल्प करते हैं लोग। हाँ सैलरी क्या मिलती है आप? 7800। संविदा? हाँ आउटसोर्सिंग अनुबंध पे हम लोग। परिवार का कितना? परिवार का भी सपोर्ट मिलता है पूरा सर। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? लेडीज में हम लोग 4 लोग हैं। हाँ रीमा चौहान। कब से काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं आप? 2 साल हो गया है और मैकेनिक के तौर पे हम लोग हैं। क्या काम करती हैं आप? मैकेनिक के तौर पे पावर स्टेयरिंग बनाना, ब्रेक वाल बनाना, प्रेशर प्लेट बनाना, अन्य काम सारा करते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब कैसे आपको अंदर आया ये काम करना, आपको ये कहाँ से सीखा? हम लोग सोचा कुछ नया किया जाए, जो कि लड़कियों को भी थोड़ा अच्छा लगे, कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जींस भी काम करते हैं आप? हाँ हैं। हाँ किस तरह लगता है काम उनके साथ काम करना? अच्छा लगता है सर। कितना सपोर्ट मिलता है आप लोग? बहुत सपोर्ट मिलता है सर, तभी तो हम लोग यहाँ टिके हैं। परिवार से कितना सपोर्ट? पूरा सपोर्ट मिलता है सर। आगे क्या करना है? आगे यही रहना है। क्या जॉब सरकारी? हाँ सरकारी हो जाता तो बढ़िया रहता। अजय कुमार यहाँ के सहायक विद्युतकार पद पर हैं, यूनियन के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं काम कर रही हैं? वो महिलाएं नहीं हैं सर, बेटियाँ हैं। बेटियाँ विभाग की लगभग 2 वर्षों से सेवा कर रही हैं और बहुत बेहतर सेवा दे रही हैं। उनके द्वारा निरंतर बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छी पहल है कि परिवहन निगम द्वारा बच्चियों को। कितना मानदेय उन लोगों का? मानदेय सर तो बहुत ही कम है, इस महंगाई के दौर में मानदेय बहुत कम है। इसको हम लोग निरंतर संगठन के माध्यम से, हमारे महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी बराबर सरकार से और परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक महोदय से निरंतर इनके मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। पहले ये बहुत कम पाती थी, 3500 रुपये, 3500 से 55 हुआ, फिर अब ये 7800 हुआ है, 7800 11000 13000 कुछ रुपया है। तो ये संगठन द्वारा ही पहल करके इसको बढ़वाने का हम लोग कार्य, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जल्द ही इनका महंगाई के हिसाब से बाज़ार दर दो है, उसके हिसाब से इनको वेतन दिया जाए मानदेय, ताकि इनके परिवार बच्चे
और ये हौसलों बुलंद करके काम करें अपने, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके सुख सुविधाओं को बेहतर। कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? लगभग 2 वर्ष से सर। क्या क्या बनाते हैं ये? गेयरबक्सा हुआ, इंजन हुआ, ब्रेकवाल हुआ, डीडी यूनिट हुआ, क्लच प्लेट हुआ, पंप हुआ, ऑटोमाइजर हुए, ये सब काम कर रही हैं। सर मेरा सत्येंद्र कुमार। आप यहाँ काम कर रहे हैं? कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और किस जगह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सर हम क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर और यहाँ पर मैकेनिक का काम कर रहे हैं, इंजन बनाने का। हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं? 2 साल हो गया सर। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी काम कर रही हैं। हाँ। कब से कर रही हैं, कैसा तो लग रहा है, कितना सफर मिलता है? यहाँ पर सर ये भी महिलाएं भी हम लोग से 2-3 मंथ पहले आई थी लोग, हम इन लोग के 2 या 3 मंथ बाद में आए। हाँ। कैसा लग रहा है, सफर करते हैं आप लोग? एकदम सर, इन लोग के साथ मिलजुल के काम किया जाता है, हम लोग साथ में कंधा से कंधा मिला करके किया जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं होता है इन लोगों को। महिलाएं भी आ रही हर काम में, क्या कहेंगे? हाँ सर एकदम, अब महिलाएं भी तो सर सेना में भी तो जा ही रही हैं, तो क्यों यहाँ भी तो काम कर ही सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इन लोगों को। गोल्डी सिंह सर। कहाँ काम करती हैं? क्षेत्रीय कार्यशाला राप्ती नगर। कितने सालों से काम कर रही हैं? 2 साल से सर। क्या क्या काम करती हैं आप? सर ब्रेक वाल, आई वाल, आरजी टू वाल, पावर स्टीयरिंग, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, क्राउन, सॉफ्ट सब बनाते हैं सर। पढ़ाई क्या की है? सर ITI BSC कर रहे हैं। आपको दिमाग में आई ये हमको काम करना है? सर हम लोग का ट्रेड ही यही मिला था। जी सर। यहाँ कैसे आपको जानकारी मिला, कहाँ से? यहाँ से जानकारी हम लोग के सर दिए थे ITI के। जी सर। यहाँ जेंट्स भी है काम करते हैं? अभी कितने महिलाएं हैं? हम लोग अभी तो 4 हैं। 4 जी। कैसा लगता है इनके बीच काम करने में आपको? सर अच्छा लगता है, यहाँ पे सपोर्ट कितना मिलता है? सपोर्ट भरपूर मिलता है, ज़्यादा भरपूर मिलता है। जी सर। बताते हैं। जी सर। परिवार का कितना सपोर्ट है? परिवार का ज़्यादा सपोर्ट है। सैलरी क्या है? 7800 रुपये। किसके हैं आप लोग? मैकेनिक पे सर। पद? मैकेनिक पद पर। संविदा क्या होते हैं? संविदा पर। आगे क्या चाहते हैं? आगे सर यही ख्वाहिश है कि गवर्नमेंटेड हो जाए।